डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का फोर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है मंगलयान, इंडियाज प्राइड एंड जॉय। यहाँ इस चैप्टर में मंगलयान के बारे में बताया गया है। मंगलयान एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट था जिसको मंगल पे भेजा गया था भारत की तरफ से, और ये सक्सेसफुल रहा था। तो आइए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। 24 सितंबर 2014 2:38 PM बेंगलुरु, ये बात है बेंगलुरु की। 24 सितंबर 2014 2:38 PM की। द रूम वॉज फुल ऑफ नेल बाइटिंग टेंशन एंड एक्साइटमेंट। जो रूम था वो पूरा भरा हुआ था नाखून काटने वाले टेंशन और एक्साइटमेंट से। मतलब ये कुछ लोग टेंशन में थे, एक्साइटमेंट में थे और नाखून काट रहे थे। द साइंटिस्ट वर्क फ्यूरियसली एट देयर कंप्यूटर्स जेंट स्क्रीन अबव देयर हेड्स वर बिजी स्ट्रीमिंग डाटा एंड ग्राफिक्स। से वैज्ञानिक बहुत तेज़ी के साथ कंप्यूटर्स पे काम कर रहे थे और बड़े बड़े स्क्रीन जो थे वो डाटा और ग्राफिक्स की स्ट्रीमिंग में लगे हुए थे, मतलब डिस्प्ले कर रहे थे। मंगलयान अफेक्शनेटली कॉल्ड मॉम मार्स आफ्टर मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2013 2:38 PM फ्रॉम द श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट इन आंध्र प्रदेश। मंगलयान जिसको इसने पूर्वक मोम कहा जाता था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसको लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 में 2:38 PM पर श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से, जो आंध्र प्रदेश में है। इट टूक 298 days फॉर मंगलयान टू ट्रेवल 78 crore kilometers फ्रॉम अर्थ टू मार्स। इसको 298 दिन लगा, मतलब यह है कि मंगलयान को 298 दिन लगा 78 crore kilometers की दूरी तय करने में पृथ्वी से मार्स तक। मतलब पृथ्वी से मार्स की जो दूरी है वो 78 crore kilometers है, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 298 दिन लगे मंगलयान को। जस्ट एज दे वर ऑन द डे ऑफ द लॉन्च साइंटिस्ट वर हडल टुगेदर अगेंस्ट नर्वसली ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ मंगलयान। जिस तरह से मंगलयान के लॉन्च के टाइम साइंटिस्ट नर्वस थे, उसी तरह से इस टाइम जब मंगलयान का इंट्री होने वाला है मार्स ऑर्बिटर में, तो उस समय भी उतने ही नर्वस थे, उसके प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे थे। सडनली इन अ वास्ट ब्लिंकिंग नंबर्स द प्रोब फायर्ड अप इट्स लिक्विड फ्यूल इंजन, द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ क्रिटिकल मूव्स टू इंटर मार्स ग्रेविटेशनल फील्ड। द साइंटिस्ट टू डीप ब्रीथ देयर आईज ग्लूड टू द स्क्रीन। अब वो टाइम आ गया जब प्रोब ने फायर किया और लिक्विड जो फ्यूल था वो जलना चालू हुआ, और मार्स के ऑर्बिटर में मंगलयान एंट्री करने लगा। तो साइंटिस्ट जो थे वो गहरी सांस लिए और अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ाए रखी। देन द मॉनिटर्स वेंट ब्लैक, मंगलयान हैड डिसअपीयर्ड बिहाइंड मार्स एट द मिशन ट्रैकिंग सेंटर द इंडियन स्पेस ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हेल्ड देयर ब्रीथ इन एन एगोनाइजिंग वेट। फिर एक हुआ ये कि मंगलयान जो था वो मार्स के पीछे डिसअपियर हो गया, और जो लिंक था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से इस मंगलयान का वो टूट गया। अब सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर परेशान हो गए और सांसें थाम करके बैठ गए। कुछ इस तरह से 20 मिनट बीत गया, तभी क्या हुआ, ब्लीप 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 द प्रोब हैड ऑफिशियली एंटर्ड मार्स एटमॉस्फेयर। तभी दोबारा वो कनेक्ट हुआ मंगलयान से, और ये पता चला कि जो प्रोब है ये ऑफिशियली मार्स के एटमॉस्फेयर में इंटर कर गया है। द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इरप्टेड इन चीयर्स हग्स एंड कांग्रेचुलेशंस टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ द मिशन। सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर बहुत खुश हुए, एक दूसरे से गले लगे और सबको बधाई दिया, और इस मिशन की सफलता को सेलिब्रेट किया। आज द रोबोटिक प्रोब मेड इट्स वे ऑन एन
elliptical orbit around Mars. India became the fourth successful nation to send a mission to Mars. जब ये रोबोटिक प्रोब जो था उसने मार्स के ऑर्बिटर में अपना जो उसे क्या कहते घूमना चालू कर दिया, तो इसके साथ ही भारत विश्व का चौथा सफल देश बन गया जो मार्स पर अपना मिशन सक्सेसफुल पूरा किया। द प्राइम मिनिस्टर कंग्रेचुलेटेड द मोम टीम इसरो एंड द इंडियन पीपल ऑन दिस हिस्टोरिक अचीवमेंट। भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री ने मोम टीम को, इसरो को और भारतीय लोगों को इस ऐतिहासिक सफलता पर बधाई दिया। द यूएस स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको शॉर्ट में नासा कहा जाता है, उसने भी भारत को इसकी बधाई के लिए भारत को इसकी सफलता के लिए बधाई दिया। यूएसए रसिया एंड यूरोप हैड प्रीवियसली सेंट मिशंस टू मार्स बट ओनली इंडिया हैड सक्सीडेड इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। यूएसए रसिया और यूरोप भी इससे पहले अपने मिशन को मार्स पे भेज चुके थे, लेकिन भारत एक पहला ऐसा देश बना जो अपने पहले प्रयास में ही सफल हुआ। मंगलयान ज्वाइन फोर अदर मिशंस सर्किलिंग द प्लेनेट मावेन यूएसए मार्स ओडिसी यूएसए मार्स रिकनेसेंस ऑर्बिटर यूएसए एंड मार्स एक्सप्रेस यूरोप जो दूसरे ऑर्बिटर्स थे जैसे मॉविन हो गया, मार्स ओडिसी हो गया, मार्स रिकनेसेंस ऑर्बिटर हो गया और यूरोप का मार्स एक्सप्रेस हो गया। ये जिस तरह से चक्कर काट रहे थे मार्स का, अब इसमें मंगलयान भी शामिल हो गया। तो इस तरह से चैप्टर का आधा पोर्शन फिनिश हुआ, बाकी का आधा पोर्शन वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक आप इसको स्टडी कीजिए। थैंक यू।